अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए।